हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम करने वाले हैं रैंडम फाइंड्स फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग हॉल। तो मैंने ना थोड़ी सी ऑनलाइन शॉपिंग की हुई थी और सारे पार्सल्स आ चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में इन सब का रिव्यू हॉल किया जाए। और इसमें ना काफ़ी मिक्सड अप प्रोडक्ट्स है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो किचन आइटम्स हैं, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल जा रहे थे। तो बहुत ही एक्साइटिंग हॉल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। तो बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है, ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी ये प्रोडक्ट्स दिखा पाऊँ। और जो मेन ऑनलाइन ऐप्स है ना इन प्रोडक्ट्स की, वो है अमेजॉन, मीशो एंड नाइका। और सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे इन केस यू वांट टू चेक आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ना, वो मैंने ऑर्डर किया है मीशो से, जिसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। प्राइस एंड क्वालिटी वाइज तो ये टॉप नॉच है, फिर क्यों इसने मुझे डिसअपॉइंट किया चलिए बताती हूँ। तो ये है टम्बलर विथ स्ट्रॉ, और ये पूरा ग्लास का है, इसका सब लिड प्लास्टिक का है, बाकी ये ग्लास एंड स्ट्रॉ दोनों ही पूरे ग्लास के हैं। और इसमें छोटू सा टेडी भी बना हुआ है जो मुझे बहुत क्यूट लगा, और ये लीक प्रूफ भी है। आप इसके कैप को ओपन करके आराम से इसमें स्ट्रॉ को डाल के अपना जूस, ड्रिंक, वाटर कुछ भी इंजॉय कर सकते हो। अब डिसअपॉइंटिंग पार्ट ये था कि मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट कलर ऑर्डर किया था, पर ये ग्रीन कलर में डिलीवर हुआ, जो मुझे उतना पसंद नहीं आया। तो अब ऑर्डर करने के पहले ना कलर देख लेना, बाकी इसकी क्वालिटी एंड प्राइस वाइज तो ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना, वो आया है अमेजोन से, जो इतने बड़े डब्बे में आया, बट एक्चुअल प्रोडक्ट का साइज मैं आपको दिखाती हूँ। देख, इतना सा प्रोडक्ट है और इतना बड़ा डब्बा यूज कर रहे हैं ये लोग, बट ठीक है। तो ये मैंने मंगवाया है, ये किचन आइटम है जो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो ये है 2-in-1 नाइफ, कैसे बताती हूँ। तो यहाँ पे ना दो बटन्स दिए हुए हैं, तो जैसे ही आप नाइफ में जिस तरफ नाइफ बना है उसका बटन प्रेस करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक नाइफ, जिसकी शार्पनेस भी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। और दूसरी तरफ जब आप दूसरा बटन प्रेस करोगे तो आपको मिल जाएगा ऐसा पिलर, जो थोड़ा सा गंदा है क्योंकि मैंने इसको अभी अभी यूज़ किया था और उसके बाद वॉश नहीं किया है। और इसकी भी शार्पनेस काफ़ी सही है, तो आप इसको ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत ही सही लगा मुझे, मतलब बहुत ही कन्वीनियंट होने वाला है। और इसका स्टाइल भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही स्लीक है और बहुत ही अच्छा पीस है किचन आइटम्स के लिए, तो आप ये भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और ये तो मैं पक्का ही रख रही हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है अमेजोन से, और ये एक वायरल प्रोडक्ट है, एंड आई एम श्योर कि आपने इसकी वीडियो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ज़रूर देखी होगी। ये है ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर फॉर ट्रैवलिंग, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो। और इसमें ना दो तीन कलर्स अवेलेबल थे, मुझे पिंक कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और इसकी यूटिलिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो यहाँ पे ना आपको ऐसे सेक्शंस मिल जाते हैं फॉर छोटे छोटे जो ज्वेलरी पीसेस होते हैं ना उसको रखने के लिए, यहाँ पे आप रिंग्स रख सकते हो, यहाँ पे इयररिंग्स रख सकते हो, और इसके अलावा भी यहाँ पे एक पेंडेंट सेक्शन बना हुआ है। तो मुझे तो इसकी यूटिलिटी काफ़ी अच्छी लगी, पर हाँ मैं उतनी बड़ी ज्वेलरी फैन हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता कि मैं इसको कितना यूज़ कर पाऊँगी। पर अगर आपके पास बहुत सारी ज्वेलरीज आप ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हो, या फिर ट्रैवलिंग के टाइम में आपको समझ नहीं आता कि आप कहाँ रखो अपनी ज्वेलरीज को, तो ये सेफेस्ट ऑप्शन लगा मुझे, क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छी कुशनिंग भी की हुई है जिससे आपकी ज्वेलरीज एकदम सेफ रहेगी। तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई कर सकते हो, और छोटू सा तो ट्रैवलिंग में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। चलिए ओपन करते हैं नायका का पिटारा। और यहाँ ना मैंने 4-5 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, कुछ को मैंने रीपर्चेस किया है, कुछ वायरल प्रोडक्ट्स हैं जो मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है नायका का ये वंडरलस्ट लेवेंडर बॉडी बटर। ये मेरी सेकेंड बॉटल या डब्बा है आप बोल सकते हो, और मैंने इसको भी ऑलरेडी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही सही है, ऑयली स्किन वालों के लिए मैं समर्स में रेकमेंड नहीं करूँगी। बाकी इसकी स्मेल भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो आप ट्राई कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना वो है सेटाफिल का ये सनस्क्रीन, जो कि मेरी दी ने मुझे रेकमेंड किया, क्योंकि मैंने 3-4 तरह की सनस्क्रीन यूज़ की हुई है पर मेरी स्किन को कुछ भी सूट नहीं होता। इवेंचुअली मेरी स्किन में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो मुझे उस प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद करना पड़ता है। तो मेरी दी ने रेकमेंड किया कि सेटाफिल का ये सनस्क्रीन यूज़ कर, ये काफ़ी अच्छा है, और मैं इसको लास्ट 1-2 वीक से अप्लाई कर रही हूँ, मेरी स्किन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर आपकी स्किन में मेरी स्किन की तरह सेंसिटिव है तो आप भी इसको जरूर ट्राई कर सकते हो, थोड़ा एक्सपेंसिव है पर हाँ वर्थ द मनी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना वो है एक बहुत ही वायरल प्रोडक्ट जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स इसका रिव्यू कर रहे हैं, इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं,
वो है पिलग्रिम का हेयर ग्रोथ सीरम। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, क्योंकि यहाँ से ना मेरे हेयर भी थोड़े से झड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा इसको ट्राई किया जाए। और तो इसका ना डायरेक्शन फॉर यूज़ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, इसमें बस लिखा हुआ है कि क्लीन स्कैल्प में आपको इसको यूज़ करना है, बट इसके बाद शैम्पू करना है या नहीं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो अगर आपको पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, बहुत हेल्प हो जाएगी। और अभी तो मैं इसका रिव्यू नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने इसको उतना यूज़ नहीं किया है, बट हाँ वैसे काफ़ी लाइट वेट है, स्मेल उतनी कुछ खास नहीं है, थोड़ी मेडिसिन वाली स्मेल है इसकी। बाकी मैं इसको पूरा यूज़ करने के बाद ही आपको रिव्यू दूंगी। और इसका बॉटल मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का है, मेडिसिन जैसा ही बॉटल है। तो हाँ इसको पूरी तरह यूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा है एक्चुअल में हेयर ग्रोथ एनहांस करता ही है या नहीं, वो देखते हैं। चलिए तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। लास्ट जो प्रोडक्ट है ना नायका का, वो है ये मेबलिन की लिक्विड लिपस्टिक, जो मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर ली थी, मुझे कलर पसंद आया तो मैंने ऑर्डर कर ली। ऑल दो ये स्मच प्रूफ नहीं है, तो चलिए देखते हैं इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये है पूरा नायका का पिटारा जो मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो है अमेजोन से, और ये भी काफ़ी वायरल प्रोडक्ट है और मुझे इससे उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट हाँ मेरा फेवरेट बन गया ये जैसे ही डिलीवर हुआ, जैसे ही मैंने इसको ट्राई किया। क्यों बताती हूँ, तो यहाँ पे ना आपको ऐसे तीन बटन्स मिल जाएंगे और नीचे आपको ये चार बैटरीज, कुछ ट्रिपल ए बैटरीज डालनी पड़ती है। जैसे आप बटन ए प्रेस करोगे आपको गोल्डन लाइट दिखेगी, बटन बी में आपको अलग अलग कलर की लाइट दिखेगी, जैसे रेड, ग्रीन, पर्पल और भी काफ़ी कलर। और जैसे ही आप सी प्रेस करोगे ना तो ये रोटेट होने लग जाएगा, और जैसे ही आप इसका कैप ओपन करोगे तो ये स्टार्स एंड मून बने हुए ना ये पूरे आपके रूम में दिखेंगे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्टीज़ वगैरह के लिए तो अच्छा होने वाला है, वैसे भी काफ़ी अच्छा लगेगा एज अ डेकोरेटिव लैम्प और पीस। तो जो लास्ट प्रोडक्ट है ना इस हॉल का, ये वो आया तो इतने बड़े पैकेजिंग में है और ये मीशो से है, बट मुझे इसकी पैकेजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पूरी तरह से डैमेज थी ये पैकेजिंग, यहाँ से फटा हुआ था, बहुत ही ख़राब पैकेजिंग थी, पर हाँ अंदर का प्रोडक्ट अच्छा निकला। तो ये है ना, ये गेट हैंगर है, तो आपको बस इसको गेट पे ऐसे लगाना होता है और आपको हुक्स मिल जाते हैं गेट के पीछे, या फिर कहीं पे भी आपको जहाँ पे ज़रूरत है हुक्स मिल जाते हैं टू पुट योर थिंग्स। तो मेरे ना गेट के पीछे एक भी हुक नहीं था और जितने भी हुक्स मैंने स्टिक किए थे सारे गिर जाते थे, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। और ये इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी और काफ़ी स्टर्डी है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हो कि मैंने जीन्स बैग सब इसमें लगा दिया था फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ। काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है घर के लिए, तो आप ये तो ट्राई कर ही सकते हो। तो ये था लास्ट प्रोडक्ट इस हॉल का। सो गाइस ये था आज का हॉल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक विद डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन केस यू वांट टू चेक आउट। और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना और शेयर इट विद योर लव्ड वंस। कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा प्रोडक्ट ठीक ठीक लगा। मुझे टम्बलर उतना अच्छा नहीं लगा, मैंने रीज़न आपको बता दिया, बाकी प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी सही लगे। और उसके अलावा प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और या सो लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।